नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल घरेलू पंडित में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में महालक्ष्मी की कृपा पाने के ढेर सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बेहद उपयोगी है, जिसको करने से आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप सबने शंख पुष्पी देखी होगी, यह बेलों के रूप में ज़मीन पर फैली हुई होती है और मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती है, जैसे सफ़ेद फूल वाली, लाल फूल वाली और नीले फूल वाली। इसका प्रयोग दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा धन प्राप्ति का प्रयोग बताएंगे जो आप शंख पुष्पी की जड़ से कर सकते हैं। दोस्तों, किसी पुष्प नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को अपने घर लेकर आएं। यह नक्षत्र आप पंचांग से देख सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए इसे धूप दीपक इत्यादि दें। ऐसा करने के बाद शंख पुष्पी की जड़ को चांदी के डिब्बे में रख दें और इसे चांदी की डिब्बी को अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी शंख पुष्पी के बहुत सारे प्रयोग हैं जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो शंख पुष्पी का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पी लें। ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा और स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर जाएगा। इसका काढ़ा किस तरीके से बनाना है, आइए जानते हैं। आप 2 कप पानी में 2 चम्मच चूर्ण डालकर उबालें। जब आधा कप रह जाए तो इसे उतार कर ठंडा करके छान लें। इससे आपका काढ़ा बन जाएगा जिसको आपने सुबह शाम पीना है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।